दोस्तों, वेलकम टू स्टडी यूनिवर्स। मध्य प्रदेश के डेली करंट अफेयर के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज है 18 जुलाई 2019 और यह हमारी 198वीं क्लास है। 12 इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं जो आपके एग्जाम और आपके नॉलेज की दृष्टि से बहुत इंपोर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को आप नोट कर लें क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। साथ ही क्वेश्चंस रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी हम आपको बताते हैं, तो वो भी आपको याद रखने हैं। दोस्तों, अगर आपको एमपीजीके और करंट अफेयर्स से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम जाती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपके आंसर जरूर करेंगे। चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। हाल ही में किस बैंक ने नेत्रहीनों को नोट पहचानने ऐप बनाया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है आरबीआई बैंक ने। हाल ही में आरबीआई बैंक ने नेत्रहीनों को पहचानने नोट पहचानने के लिए एक ऐप बनाया है। दोस्तों, अभी इसका लोकार्पण नहीं किया गया है। आपको बता दें, आरबीआई जल्दी ऐसा ऐप ला रहा है जिससे नेत्रहीन लोगों को नोट पहचानने में मदद मिलेगी। इसके लिए नोट पर एंटीलियो प्रिंटिंग आधारित पहचान चिन्ह दिए गए हैं। ये चिन्ह 100 रुपए और उससे बड़े नोट में है। दोस्तों, बैंक ऐप विकसित करने के लिए वेंडर तलाश कर रहा है, जल्दी ऐप विकसित किया जाएगा। तो दोस्तों, अब बात आई है आरबीआई की, तो आपको आरबीआई के बता दें, आरबीआई का फुल फॉर्म रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होता है। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की गई थी। हेडक्वार्टर मुंबई में है और आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास। तो इतना आपको आरबीआई के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में 71 वर्ष बाद किस एयरपोर्ट को इंटरनेशनल क्लब में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है इंदौर। हाल ही में इंदौर को 71 साल बाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का दर्जा दिया गया है। दोस्तों, इंदौर के देवी अहिल्याबाई होलकर एयरपोर्ट को हाल ही में पहली इंटरनेशनल फ्लाइट दुबई के लिए उड़ान भरी है, जो दुबई में भारतीय समय अनुसार 8:06 बजे लैंड करेगी। दोस्तों, 71 साल बाद ऐसे ऐतिहासिक दिन आया है जब मध्य प्रदेश का कोई एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट में शामिल हुआ है। दोस्तों, आपको बता दें, इस दिन पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन भी किया गया है इंदौर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में किस राज्य में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है छत्तीसगढ़। हाल ही में छत्तीसगढ़ राज्य में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में देश की पहली गार्बेज कैफे योजना शुरू की गई है। इसके तहत नगर निगम शहर के गरीब और घुमतू लोगों को प्लास्टिक के बदले भोजन कराएगा। इस अभियान के तहत सड़क पर बिखरे 1 किलो प्लास्टिक कैरी बैग लाने पर मुफ्त भोजन और आधा किलो प्लास्टिक कैरी बैग लाने पर भरपेट नाश्ता कराया जाएगा। शहर की समीक्षा बस स्टैंड पर इसका संचालन किया जाएगा। तो दोस्तों, ये अलग पहल की गई है छत्तीसगढ़ में, जिसमें एक तो सफाई भी होगी और भूखों को भोजन भी दिया जाएगा। दोस्तों, अब बात आई है छत्तीसगढ़ की, तो मैप में आप बारे में बता दें, मैप में ये जगह छत्तीसगढ़ को दर्शाती है। छत्तीसगढ़ की स्थापना 1 नवंबर 2000 को की गई थी। गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल और छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर। तो इतना आपको छत्तीसगढ़ के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाल ही में कहां अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन है दमोह। हाल ही में दमोह में अखिल भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह का आयोजन किया गया है। दोस्तों, दमोह के बकायान में यह समारोह आयोजन किया गया है। दोस्तों, आपको बता दें, इस समारोह का नाम क्या है? तो मृंगाचार्य नाना साहेब पानसे स्मृति समारोह है इस संगीत समारोह का नाम है। एक बार फिर आपको नाम बता दें, नाम है मृंगाचार्य नाना साहेब पानसे स्मृति संगीत समारोह है। दोस्तों, इस समारोह का आयोजन पिछले 125 वर्ष से बाकायान, जो दमोह जिले में है, वहां पर किया जा रहा है। दोस्तों, इस वर्ष देश भर से 94 कलाकार यानी 94 कलाकार इस शास्त्रीय संगीत समारोह में हिस्सा लेंगे। दोस्तों, अब बात आई है दमोह की, तो आपको कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट दमोह के बारे में बता दें।
सागर संभाग का एक जिला है दमोह है, पीतल नगरी के नाम से प्रसिद्ध है दमोह है। दोस्तों पशु बाजार यहीं पर लगाया जाता है। सिंग्रामपुर में पाषाण कालीन आदि मानव के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। दोस्तों अमानपुर में औद्योगिक विकास केंद्र और डायमंड सीमेंट कारखाना दमोह जिले में ही स्थित है। बांदकपुर में भगवान शिव का मंदिर है जो विश्व प्रसिद्ध है, और कुंडलपुर में एक जैन तीर्थ स्थल है। आदिनाथ की पद्मासन की मूर्ति है कुंडलपुर में। दोस्तों जटाशंकर प्रसिद्ध मंदिर है दमोह में। आपको बता दें रानी दुर्गावती अभयारण्य भी दमोह जिले में ही स्थित है। तो दोस्तों इतना आपको दमोह के बारे में याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में कहाँ हिमालयी राज्यों का प्रथम सम्मेलन आयोजन किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है उत्तराखंड में। उत्तराखंड में हिमालयी राज्यों का प्रथम सम्मेलन आयोजन किया जाएगा। दोस्तों उत्तराखंड के हिमालयी राज्यों के प्रथम सम्मेलन का आयोजन मसूरी में 28 जुलाई को किया जाएगा। इस सम्मेलन का मुख्य फोकस सतत विकास होगा। इस सम्मेलन में हिमालयी राज्यों की प्रमुख समस्याओं पर चर्चा की जाएगी। दोस्तों इस सम्मेलन में उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम और नागालैंड के मुख्यमंत्री और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसमें हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में ग्लोबल वार्मिंग की परिस्थिति तंत्र की रक्षा करने और जल के संरक्षण की विधियां आदि पर चर्चा की जाएगी। तो इतना आपको इस सम्मेलन के बारे में याद रखना है। दोस्तों अब बात आई है उत्तराखंड की, तो मैप में आपको उत्तराखंड की मैप में ये जगह उत्तराखंड को दर्शाती है। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को की गई थी। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और राजधानी है देहरादून। तो इतना आपको उत्तराखंड के बारे में याद रखना है। हाल ही में कहाँ एग्री बिजनेस इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रायपुर। हाल ही में रायपुर में एग्री बिजनेस इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। दोस्तों छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एग्री बिजनेस इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना की गई है। इस केंद्र की स्थापना राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत की गई है। दोस्तों इस एग्री बिजनेस इक्यूबेशन सेंटर की स्थापना क्यों की गई है, इसका उद्देश्य क्या है, इसके बारे में आपको बता दें तो इस योजना का उद्देश्य कृषि को एक लाभकारी गतिविधि बनाना है। इस योजना के तहत कृषि व्यापार को बढ़ावा दिया जाएगा। इसमें युवाओं और उद्यमों को कृषि के विभिन्न क्षेत्र में स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन, तकनीक और अधोसंरचना उपलब्ध कराई जाएगी। तो आपको याद रखना है एग्री बिजनेस इक्यूबेशन सेंटर रायपुर में खोला गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। IFFI के गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है गोवा। गोवा में IFFI के गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन किया जाएगा। दोस्तों IFFI के गोल्डन जुबली समारोह का आयोजन गोवा में 20 से 28 नवंबर 2019 के दौरान किया जाएगा। इसकी घोषणा हाल ही में केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने की है। दोस्तों IFFI का आयोजन गोवा में वर्ष 2004 से किया जा रहा है। दोस्तों अब ये बात आई है IFFI की, ये होता क्या है इसके बारे में आप। दोस्तों इसका फुल फॉर्म आपको बता दें हिंदी में, तो हिंदी में होता है भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल, और इंग्लिश में कहा जाए तो इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया। इस फेस्टिवल का आयोजन केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय, फिल्म महोत्सव निदेशालय और गोवा सरकार द्वारा किया जाता है। दोस्तों भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल की स्थापना 1952 में की गई थी। तो आपको इतना IFFI के बारे में याद रखना है। और दोस्तों ये 50वां इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल होगा गोवा में। नेक्स्ट बात करते हैं। हाल ही में किस देश ने स्पेक्टर आरजी नामक टेलीस्कोप लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है रूस।
हाल ही में रूस ने स्पेक्टर आरजी नामक टेलीस्कोप लॉन्च किया है। दोस्तों रूस ने हाल ही में शक्तिशाली एक्सरे टेलीस्कोप स्पेक्टर आरजी अंतरिक्ष में लॉन्च किया है। इस टेलीस्कोप को कजाकिस्तान के बेकानूर से लॉन्च किया गया है। इसका निर्माण जर्मनी के साथ संयुक्त प्रोजेक्ट के तहत रूस और जर्मनी ने किया है। दोस्तों इस टेलीस्कोप को 21 जून 2019 को लॉन्च किया जाना था, परंतु बैटरी से संबंधित कुछ समस्या होने के कारण इसके लॉन्च को 2 बार स्थगित किया गया है। दोस्तों अब ये स्पेक्टर आरजी क्या काम करेगा, होता क्या है, आपको इसके बारे में बता दें। इस टेलीस्कोप का विकास रूस ने जर्मनी के साथ मिलकर किया है। दोस्तों इस टेलीस्कोप को प्रोटॉन एम रॉकेट की सहायता से लॉन्च किया गया है। यह टेलीस्कोप ब्लैक होल, न्यूटन स्टार और चुंबकीय क्षेत्र के पर्यवेक्षण के लिए किया गया है। यह एक अंतरिक्ष वेधशाला है और यह स्पेक्टर आर का स्थान लेगा। तो आपको इतना स्पेक्टर आरजी के बारे में याद रखना है। चलते हैं दोस्तों, अब बात आई है रूस की, तो आपको मैप में रूस बता दें। मैप में ये जगह रूस को दर्शाती है। रूस की राजधानी है मॉस्को और रूस की करेंसी है रूबल। रूस के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन और प्रधानमंत्री हैं दमित्री मेदवेदेव। दोस्तों मध्य प्रदेश में कहाँ रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ग्वालियर। ग्वालियर के सिंथौली में रेलवे स्प्रिंग बनाने का कारखाना स्थित है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको कुछ और नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में आपको बता दें। दोस्तों भोपाल में रेलवे कोच फैक्ट्री बनाने का कारखाना निशातपुरा में स्थित है। रेलवे इलेक्ट्रॉनिक इंजन बनाने का कारखाना VHEL भोपाल में स्थित है। इसके अलावा दोस्तों बोगी वर्कशॉप भी भोपाल के मिसरौद में की जाती है। तो ये 3 चीजें भोपाल में होती हैं। दोस्तों अगर वहीं बात करें सीहोर में, तो रेलवे स्वीपर बनाने का कारखाना बुधनी में है, जो सीहोर जिले के अंतर्गत आता है। तो ये भी आपको याद रखना है। अब बात करते हैं दोस्तों विदिशा। तो विदिशा में डीजल इंजन कारखाना बना, डीजल जो इंजन होते हैं वो बनाए जाते हैं और इसका कारखाना विदिशा में स्थित है। तो आपको इन सभी के बारे में इतना याद रखना है। मध्य प्रदेश में वर्तमान में कितने रेडियो स्टेशन मौजूद हैं? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है 32, यानी 32 रेडियो स्टेशन वर्तमान में मध्य प्रदेश में सक्रिय हैं। दोस्तों इन स्टेशन के आपको नाम बता दें तो बालाघाट, बैतूल, भावरा, भोपाल, विजौरी, चंदेरी, छतरपुर, चिंचोली, छिंदवाड़ा, गुना, ग्वालियर, हरदा, इंदौर, जबलपुर, झाबुआ, खंडवा, मंडला, मंदसौर, नलचा, नीमच, ओरछा, पचमढ़ी, राजगढ़, रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सेसईपुरा, शहडोल, शिवपुरी, सिरोंज और उज्जैन, ये सभी रेडियो स्टेशन है मध्य प्रदेश में। तो आपको इनके बारे में याद रखना है दोस्तों, एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किसे रानी अवंती बाई सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है नीतू अग्रवाल। नीतू अग्रवाल को रानी अवंती बाई सम्मान से सम्मानित किया गया है। दोस्तों आपको बता दें 2011 में इन्हें इस सम्मान से सम्मानित किया गया था। दोस्तों अब बात आई है रानी अवंतीबाई सम्मान की, तो आपको इसके बारे में बता दें। इस सम्मान की शुरुआत 2008 में की गई थी। यह सम्मान वीरता और साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि भी इस सम्मान के अंतर्गत दी जाती है और नीतू अग्रवाल पहली महिला है जिन्हें यह सम्मान दिया गया है। दोस्तों स्क्रीन पर आपको ये दो नाम दिख रहे होंगे, इनके बारे में बता दें, प्रीति प्रवीण खरे और संत कुमार मालवीय, इन दोनों को मध्य प्रदेश में तुलसी सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो आपको इन दोनों के बारे में भी इतना याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोपाल गैस कांड में गैस को निष्प्रभावी बनाने कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन है ऑपरेशन फैथ। ऑपरेशन फैथ भोपाल में गैस कांड के दौरान चलाया गया था। दोस्तों आपको शुरू से बताएं, भोपाल गैस कांड 2 और 3 दिसंबर 1984 की रात को मिथाइल आइसोसाइनेट गैस के रिसाव के कारण हुआ था। इसमें हजारों लोगों की मौत हो गई थी। इसके बाद दोस्तों डॉक्टर वर्जू राजन ने ऑपरेशन फैथ अभियान चलाया था भोपाल में।
तो ये क्वेश्चन एक इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आपको याद रखना है। ऑपरेशन फैथ भोपाल में गैस कांड के लिए चलाया गया था। दोस्तों अब बात करते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन की। तो कल का क्वेश्चन था, किस जिले के जंगलों में सफेद मूसली, गिलोय और एलोवेरा की औषधीय पौधे लगाए जाएंगे? तो इसका सही ऑप्शन है दोस्तों श्योपुर में। श्योपुर में सफेद मूसली, गिलोय और एलोवेरा की औषधीय पौधे लगाए जाएंगे। दोस्तों अब बात करते हैं क्वेश्चन ऑफ द डे की। तो आज का क्वेश्चन है, मालवा अखबार किस वर्ष प्रकाशित किया गया था? इसका आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में दें, हम आपके आंसर का इंतजार करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे चैनल स्टडी यूनिवर्स को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आप लोग वीडियोस को शेयर नहीं कर रहे हैं, कृपया वीडियोस को शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करने की सलाह दें। साथ ही दोस्तों वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर करें, अगर नहीं आता है तो आप डिसलाइक भी करें, लेकिन कम से कम कोई तो आप रिएक्ट कीजिए वीडियो को देखकर। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, हैव अ नाइस डे।